बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खरीद से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अच्छा, आज की वीडियो भी डिटेल पे ही है। जैसे मे बी मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था या अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ, तो वो भी आप लोग देख ही लेंगे, वीडियो आ ही जाएगी आपके पास। तो डिटेल्स रियल एस्टेट बेसिक्स की डिटेल्स के ऊपर, जैसे अब पॉसिबल सेलर्स वगैरह हो गए या मोटिवेटेड सेलर हो गए, लीड्स होगी, वैकेंट लीड्स किस्मों पे, लीड्स कौन कौन सी होती हैं, इन चीज़ों के ऊपर जो वीडियोज़ बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ FSBO। अब सिंपल, आपको अक्सर जो है ना, अगर आप जिलो वगैरह पे सर्च कर रहे हो कोई चीज़ या कहीं पे, या आपको कहीं क्लाइंट का फाइबर पे आया हुआ है या बाय रिक्वेस्ट आई हुई है, तो वहाँ पे FSBO अक्सर लिखा हुआ जाता है बड़े इंसों में, FSBO। अब लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चलता, जाहिर बात है, जो बंदा फील्ड में उसको तो है पता, जो बंदा फील्ड में नहीं है, जो नया फ्रीलांसर कह लें, स्किप ट्रेसर हैं नए, जो पहले एज अ डेट एंट्री वर्क किसी कलर किसके पास काम करते रहे स्किप ट्रेसिंग का, लेकिन वो फील्ड में आना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आईडी बनाई है, उसकी प्रेजेंट काम करूँ, लेकिन FSBO सामने आएगा, कहते हैं ये क्या चीज़ है FSBO, ये समझ नहीं आई FSBO क्या चीज़ होती है। भाई FSBO सिंपल चीज़ है, फॉर सेल बाय ओनर, FS फॉर सेल, बी बाय ओ ओनर, FSBO। ये प्रॉपर्टी की लीड्स की किस्म है, ठीक है, जैसे वैकेंट लीड्स आप कह देते हैं या डाइवोर्स लीड्स कह देते हैं या इस तरह की प्रोबेट लीड्स हैं, FSBO एक लीड की किस्म है, प्रॉपर्टी की किस्म है। अब FSBO क्या है, इसको फॉर सेल बाय ओनर, अब यहाँ कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें, फॉर सेल बाय ओनर, जो ओनर खुद बेच रहा है, ओनर के थ्रू बिक रही है, ठीक है। अब ओनर के थ्रू बिक रही है तो इसको हम FSBO कहेंगे। इसकी बकायदा वेबसाइट भी है, FSBO.com है आई थिंक, आप अगर सर्च करेंगे FSBO लिखेंगे गूगल के ऊपर, आपको वेबसाइट आ जाएगी अमेरिका की, वहाँ यानी कि खुद लगा रहे होते हैं जो है ना ओनर जो है वो ऐड लगाते हैं, विदाउट एजेंट जो सेल करना चाह रहे होते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वो लगाते हैं वहाँ पे। और इसकी आपको जिलों में भी फिल्टर मिलेगा, आपको रेडफिन में भी मिलेगा, आपको रियल्टर में भी आई थिंक मे भी मिल जाए, रियल्टर में भी शायद मिलेगा, यानी कि जो प्रॉपर्टी की वेबसाइट्स हैं और क्रैगलिस्ट में मिलेगा, जो आपकी क्लासीफाइड पोस्टिंग की, मैंने उसके बारे में भी डिटेल में थोड़ा सा बताया शायद किसी वीडियो में, नहीं तो क्रैगलिस्ट पोस्टिंग पे तो है मेरी वीडियो, बहरहाल यानी कि प्रॉपर्टी की वेबसाइट्स या क्लासीफाइड वेबसाइट, जब फिल्टर लगा के प्रॉपर्टी सर्च कर रहे होते हैं तो उनके अंदर भी FSBO का ऑप्शन होता है। FSBO का आपको मैंने मतलब बता दिया कि FSBO क्या होता है, फॉर सेल बाय ओनर, जो ओनर खुद से बेच रहा है, ओनर के थ्रू बेची, उसमें कोई एजेंट नहीं है, ठीक है, एजेंट की इंटरफेरेंस उसके अंदर नहीं है, वो होगी FSBO प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको FSBO कहेंगे। भाई FSBO ये लिस्टिंग कौन सी लगी हुई है, FSBO लिस्टिंग लगी हुई है, ठीक है, ये लिस्टिंग FSBO है। इसका बारे में उम्मीद है आपको समझ आ गया, क्योंकि छोटी सी वीडियो बनाई FSBO के ऊपर, क्योंकि अक्सर लोगों की चीज़ का नहीं समझ आती, मुझे कईयों ने सवाल भी पूछे थे, इस वजह से मैंने ये वीडियो बना दी, ताकि अगर किसी और को कभी को गाइडेंस चाहिए हो, उसको FSBO ना समझ आ रही हो, तो मेरी वीडियो से गाइडेंस ले सकता है, ठीक है। तो यार वैसे मैं पहले कहता नहीं हूँ, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हुआ, यार जो देख रहे हैं उन्होंने तो किया हुआ होगा, वैसे जिन्होंने नहीं किया वो कर दें, और दोस्तों को भी करवाएं जो काम सीखना चाह रहे हैं रियल एस्टेट फील्ड का या फ्रीलांसिंग का या इस रिलेटेड टेक के रिलेटेड, इंशाल्लाह मेरी वीडियोस आपको अच्छी ही मिलेंगी, अच्छा कंटेंट ही मिलेगा। आप लोग अगर मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को जानते हैं, आप आगे थोड़ा सा लोगों को दे जाएं, ताकि लोग अच्छा कंटेंट हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो, मुझे दुआएं मिलें यार, जितना भी है लोगों को अगर काम आएगा, कुछ स्किल्स आएंगी मेरी वीडियो से, तो मुझे दुआएं तो देंगे ना, तो ज़्यादा स्प्रेड करें भाई भाई के चैनल को और प्रमोट भी करें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।